हाय, मैं योगेश नागदा। मैं राजस्थान पत्रिका में, मेरी जॉब है। मैं पिछले 15 साल से राजस्थान पत्रिका में जॉब कर रहा हूँ एज ए मार्केटिंग। मैं राजस्थान पत्रिका में देखता हूँ, जिसमें प्रिंट हो गया, एफएम हो गया, मल्टीमीडिया लोकल चैनल का भी मैंने 8 साल वर्क किया हुआ है। और मैंने स्टार्टिंग मेरी जॉब ही राजस्थान पत्रिका से शुरू की। और बेसिकली मैं क्वालिफाइड बीएससी के बाद मैंने एमबीए किया, और एमबीए करने के बाद मेरे को लगा कि कुछ मेरे को मीडिया इंडस्ट्री का बहुत ही अखबार पढ़ने का शौक बहुत था। तो मैं हमेशा सोचता था कि कैसे अपन मीडिया में जाएं। तो किस्मत से मेरे को इसी में इंडस्ट्री में आने का मौका मिल गया। मेरे को बहुत ही सीखने को मिला। और आज के टाइम में जो नई यूथ, उनको मैं अगर मीडिया में आना चाहता है तो अपना बहुत से गवर्नमेंट्स इसके बारे में कोर्सेज कराते हैं। लाइक एमएलएसयू भी इसमें अपने उदयपुर में होता है, जिसमें बीजीएमसी डीजीएमसी होता है, उसमें उस कोर्सेज के माध्यम से वो मीडिया इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आज की जो यूथ है, अगर उनको अच्छा बोलना आता है, अच्छा दिखना है, तो मीडिया में अभी अच्छा स्कोप है। लाइक जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप डिजिटल मीडिया में जो आज के प्लेटफॉर्म में, वो आज हर कोई अपनी एक स्टोरी बना के डिजिटल पे डाल के अपने आप को पॉपुलर कर सकता है। तो ये एक अच्छा, मैंने अपने जीवन, जब कॉलेज टाइम पे था मैं, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें, हमारे साथ में घटना घटती थी, हम देखते थे कि अखबार में कैसे खबर आती है, कैसे ये लोग अखबार वाले इसको फोटोग्राफ करते हैं, कैसे ये स्टोरी को बनाते हैं। तो इसके ऊपर जब मैंने कॉलेज में जाकर इसके ऊपर कोर्सेज किए, तो वो चीज़ मैंने सीखी, तो मेरे को लगा कि ये बहुत ही अच्छा है। तो मेरे को मज़ा आया उस, और उसके बाद मैं मीडिया इंडस्ट्री ज्वाइन की। इस मीडिया इंडस्ट्री में मेरे को 15 साल हो गए हैं, और मेरी फर्स्ट जॉब भी राजस्थान पत्रिका से ही हुई, और मैं अभी भी इसी में अपना करियर बनाया मैंने। मैं एक्चुअली में बहुत छोटे से गांव, उदयपुर के एक छोटे से गांव से था। जब हम गांव से शहर आए, तो हमें शहर की जो बिल्कुल रहन सहन और गांव में बिल्कुल डिफरेंस है, तो मैंने समय के साथ अपने आप को बदला। फिर यहाँ से मैं जयपुर पढ़ने गया, तो स्ट्रगल तो सबसे बड़ा तो हमारे पास इंग्लिश था, क्योंकि हम जिस स्कूलों में पढ़ते थे, गवर्नमेंट स्कूलों में, वहाँ इंग्लिश का स्टार्टिंग भी 6ठी क्लास से करते थे। तो डे बाई डे हमने उस चीज़ को इम्प्रूव किया, और आज हम सक्सेस हुए। सबसे बड़ा मोटिवेट तो घर से ही होता है, माँ। हाँ, जो वो हमेशा सिखाती थी कि ये तू कर सकता है। तो मैंने शुरुआत ही अपनी जीवन में उनके बदौलत से की। तो हमेशा कोई काम अगर नहीं होता था, वो मेरे को कहती थी, आ नहीं, क्यों नहीं कर सकता, तू कर एक बार ट्राई कर। तो पढ़ाई से लगा के जॉब तक के, मैं तो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेट वही थे। ये इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है। अगर अगर कोई, मैं अगर यूथ अगर प्लान कर रहा है कि मेरे को मीडिया इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए सबसे ऐसे गवर्नमेंट बहुत सारे से मीडिया के कोर्सेज कराती है, 2 साल के भी होते हैं, 3 साल के कोर्सेज होते हैं। और उसके उसमें बहुत सी इसमें मीडिया में बहुत सारी कोर्स, अलग अलग पोस्ट होती है। कोई अगर इसमें एंकरिंग फील्ड में जाना चाहता है, तो उसके लिए अलग होता है, मार्केटिंग लाइन अलग होती है। साथ में अगर कोई प्रोग्रामिंग में जाना चाहता है, तो प्रोग्रामिंग के कोर्सेज होते हैं। साथ में अगर वो प्रिंट मीडिया में जाना चाहता है, तो प्रिंट मीडिया में भी इस लेवल के अलग वो गवर्नमेंट कोर्स कराती है, और उस कोर्स के माध्यम से इजीली इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली पापा का बहुत पुरानी इंडस्ट्री, जो हमारे फर्टिलाइजर्स का काम था, तो उस इंडस्ट्री को, मतलब उसको मैं देखता हूँ, और मेरे को बहुत मज़ा आता है उसमें, क्योंकि हम उसमें सालों से जुड़े, बचपन से ही उस चीज़ का इंटरेस्ट है। तो मैं आज भी उसको, मतलब आधा, मतलब अगर ऑफिस के अलावा जब टाइम मिलता है, तो मैं उसको पूरा टाइम देता हूँ। फैमिली पूरी एजुकेशन लाइन से है, तो पापा का हमेशा सपना, पहले से सपना था बीएड करके गवर्नमेंट जॉब, और मैंने बीएड कर भी रखी है। तो मेरे अगर पहले जाऊँ, तो मैं वापस गवर्नमेंट जॉब टीचर बनना पसंद करूँगा। मेरा बर्थ उदयपुर से ही है, और मैं उदयपुर में मैक्सिमम, मेरा ननिहाल है सूरजपुर, वहीं मैं छोटे से बड़ा हुआ। और हमेशा मम्मा के साथ रहना पसंद ज़्यादा रहता था, और मीठे खाने का बहुत शुरू से शौक रहा है। तो मेमोरी मतलब एक है, मतलब मम्मी ने कुछ खाने की इच्छा हुई और बनाया नहीं, मतलब मम्मी कहती रोज तो जिद्दी कुछ नहीं बनाता है, तो जो वो चिमटा मारा था, वो आज भी याद आता है। और उसके बाद मीठा भी खाया, डांट भी खाई और मीठा भी खाया, तो वो हमेशा याद रहता है मेरे जीवन में। इसमें आज करियर स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट एजुकेशन होना तो ज़रूरी है, लेकिन एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपको एजुकेशन एक पर्टिकुलर आपको एक जगह स्टील कर सकती है, लेकिन आपका जो ग्रोथ है, वो आपका एक्सपीरियंस ही करेगा। बेसिकली मेरे को फन एक्टिविटीज का बहुत शौक है। मैं घर पे जब भी रहता हूँ, तो मेरा मेरा गुड्डू और हम दोनों क्रिकेट खेलते हैं।
और संडे को अक्सर हमारा एक प्लान रहता है किसी मंदिर में जाके या फिर किसी एक बार फैमिली के साथ मंदिर जाना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, आपने मेरी कहानी सुनी। आप मुझे वर्क मोड पर जाके फॉलो कर सकते हैं और अपनी भी स्टोरी उस पर डाल सकते हैं। और इसी के साथ धन्यवाद, जय भारत।